यासिर के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको नया साल 2021 बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त, आरिफ टूर हमारे साथ हैं। आरिफ भाई पाकिस्तान से हैं और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दो मास्टर्स किए हुए हैं। एक पाकिस्तान से किया है, एक मास्टर्स उन्होंने यहाँ टोरंटो कैनेडा में किया है। मास्टर्स करने के बाद इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह PhD रिसेंटली कंप्लीट की है और अब ये दो तीन यूनिवर्सिटीज के साथ एज अ प्रोफेसर अटैच हैं। तो चलें आरे भाई से जानते हैं कि इनको यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने में कोई इश्यूज तो नहीं आए, कोई दुश्वारियाँ तो नहीं आई। आरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच आपने जो अपना कीमती टाइम दिया हमें। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम यासिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टाइम आपके लिए कोई कीमती नहीं है। आपसे बात करना जो है वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। तो थैंक यू आरे भाई, थैंक बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। यू थैंक यू। तो चलें आज के हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने मेंशन किया अपने इंट्रोडक्शन में कि आरे भाई ने माशाल्लाह रिसेंटली PhD की है और वो इस वक्त दो तीन यूनिवर्सिटीज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अटैच हैं एज अ प्रोफेसर। तो आरिफ भाई काइंडली हमारे जानने वालों को ये बताएं, स्पेशली जो नए लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, मिडल ईस्ट से या कहीं और से, राइट? और वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर वो मास्टर्स करना चाहते हैं या मास्टर्स करने के बाद वो PhD करना चाहते हैं और अपनी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? थैंक यू यासिर भाई। पहले तो मैं ये सबको मुबारकबाद दूंगा उन लोगों को कि जो ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ आके अपनी स्टडीज को आगे फर्दर करेंगे, क्योंकि ये भी सोच बहुत लोगों में कम है जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कनाडा को ग्रेवयार्ड ऑफ डिग्रीज कहा जाता है। तो उसके पीछे स्टोरी यही है कि लोग हम जैसे जब आते हैं एक डेवलपिंग कंट्रीज में से या इवन किसी डेवलप्ड कंट्री में से भी जब आए कनाडा में, तो यहाँ पे इनका अपना सिस्टम है और यहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो कनेडियन क्वालिफिकेशंस एंड कनेडियन एक्सपीरियंस मांगता है। तो वो जब एक नया बंदा आया, जाहिर है उसके पास ये दोनों चीजें नहीं होती, तो फिर उसको ये एक बहुत ज्यादा फील आती है कि मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई जॉब नहीं मिल रही, उनको और जॉब्स करनी पड़ती हैं या कोई अपना बिजनेस करना पड़ता है। मैनेजमेंट में हम एक एंटरप्रेन्योरशिप में टर्म यूज करते हैं पुश्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, कि वो अपनी मर्जी से नहीं बिजनेस करते, उनकी मजबूरी होती है बिजनेस करना। तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि हर कंट्री का एक अपना सिस्टम होता है। कनाडा में जो इमिग्रेशन की जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें और जो प्रोफेशन की एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें फर्क है। यानी एक सिंपल सी मैं आपको अपनी पर्सनल मिसाल देता हूँ कि आई केम हियर एज एन अकाउंटेंट बिकॉज मेरी जो फर्स्ट डिग्री है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है और मेरे पास कोई 6-7 साल का एक्सपीरियंस भी था उस वक्त एज एन अकाउंटेंट जब मैंने अप्लाई किया था इमिग्रेशन के लिए। सो आई वॉज अप्रूव्ड बाई द इमिग्रेशन टू कम हियर एज एन अकाउंटेंट। लेकिन जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि कैनेडा में अकाउंटिंग जो है वो रेगुलेटेड प्रोफेशन है। इस मीन्स कि आपको उसके लिए डेजिग्नेशन चाहिए, यानी CPA या उन जमाने में CMA और CGA हुआ करते थे। तो ये थोड़ा डिस्कनेक्ट है हमारे डिपार्टमेंट्स का, कनेडियन इमिग्रेशन का और कनेडियन लेबर मार्केट का। तो ये भी एक वजह है जिस वजह से लोग ये समझते हैं कि भाई कनाडा इज द ग्रेवयार्ड ऑफ डिग्रीज, के इतने लोग आते हैं इतनी डिग्रीज लेके आते हैं और यहाँ आके उनको सब वो मिट्टी में दबानी पड़ती है क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज फ्रेंड्स के जो ये सोच रहे हैं कि उनको आगे यहाँ पे अपनी एजुकेशन फर्दर करनी है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट अप्रोच जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप कनाडा को अपना सेकेंड होम या फर्स्ट होम बनाना चाहते हैं। जो भी आप करें, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका जो डिसिप्लिन है जिसमें आपने पहले स्टडी किया हुआ है, उसमें आपको अपनी रिलेटेड यहाँ पे डिग्रीज मिल जाएंगी। ये एक अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटीज कनाडा में तकरीबन 96-98 के करीब यूनिवर्सिटीज अब हो गई हैं। ये बेशुमार डिग्रीज ऑफर करते हैं और हर डिसिप्लिन में और हर लेवल के ऊपर डिग्रीज ऑफर करते हैं। अगर आपने पहले 2 साल का मास्टर्स किया हुआ है, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता था जब
हम जिस जमाने में वहां पढ़ते थे कि आपका 2 साल का बैचलर्स और 2 साल का मास्टर्स होता था, तो फिर आपको यहाँ पे एज एन अंडरग्रेड यानी एज ए बैचलर्स डिग्री ही कंसिडर किया जाएगा और आपको पहले मास्टर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, वो आप जरूर लीजिए। मैं कुछ ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने कनाडा आने से पहले यानी व्हेन दे गॉट अप्रूवल फ्रॉम द इमिग्रेशन के जी आपका केस अब फाइनल स्टेजेस पे है और हम आपको मेडिकल वगैरह भेज रहे हैं एंड ऑल दैट, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने शुरू कर दिए, अपने प्रोफाइल शेयर करने शुरू कर दिए और कहा जी कि हमें आप बताएं कि हम किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सो ये आप भी कीजिए, अगर आप अभी कनाडा नहीं आए हैं तो आप वहीं से यूनिवर्सिटी से अप्रोच करना शुरू कर दीजिए। अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो फिर भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, एज सून एज पॉसिबल यू ट्राई टू फाइंड द प्रोग्राम दैट यू लाइक और यूनिवर्सिटी जो आपको अच्छी लगे उसके हिसाब से आप 2, 3, 4 यूनिवर्सिटीज में उसको आप अप्लाई कर दीजिए। मेरी जहां तक जर्नी का ताल्लुक है, अगर आप मुझसे ये पूछें कि व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस्ड, तो ऑफ कोर्स दैट वाज मॉनेटरी। मैंने पीएचडी करने का आज से कोई 15 साल पहले सोचा था कि मैं पीएचडी करूंगा, लेकिन मैं नहीं उसको स्टार्ट कर पाया बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल इश्यूज एंड ऑल दैट, क्योंकि पीएचडी इज ए प्रीटी एक्सपेंसिव प्रोग्राम अगर आपको अपनी जेब से पैसे पे करना पड़े तो। फिर ये है कि 4-5 साल का कम अज कम इसका ड्यूरेशन होता है, तो अगर 20-25 हज़ार डॉलर आप साल के पे कर रहे हैं तो यू नो यू कैन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। कनाडा में जो अच्छी बात ये है वो है कि आपको फंडिंग अवेलेबल होती है पीएचडी लेवल पे यूनिवर्सिटीज से। सो आई वाज वन ऑफ द लकी वंस कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह फंडिंग मिल गई थी, और दैट वाज काइंड ऑफ द क्रुक्स फॉर मी कि वो मेन जो डिफरेंस मेरी डिसीजन मेकिंग में आ रहा था वो दूर हो गया। मास्टर्स के ऊपर भी आपको फंडिंग मिल जाती है, अगर आप फंडिंग नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं तो आपको ओसैप मिल जाएगा विच इज अ लोन जो आप वापस करेंगे, आप कुछ पोर्शन उसका माफ हो जाता है, कुछ पोर्शन आपको वापस करना पड़ता है। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरीबॉडी इज टू स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग द यूनिवर्सिटीज जो प्रोग्राम ऑफर करती हैं जो आपको पसंद है, ऐसा ही प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए जो आपको पसंद है, क्योंकि अदरवाइज फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत मुझे इंडिया का भी आइडिया है, इन कंट्रीज में जो एजुकेशन का डिलीवरी का सिस्टम है और खास तौर पे जो असेसमेंट का सिस्टम है यानी एग्जामिनेशन वगैरह, वो काफी डिफरेंट है यहाँ से, और यहाँ पे आपको राइटिंग अपनी बहुत इम्प्रूव करनी पड़ती है जब आप ग्रेजुएट लेवल के ऊपर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी मास्टर्स या पीएचडी लेवल के ऊपर। काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है और काफी ज्यादा लिखना पड़ता है, तो वो आप उसी सूरत में कंफर्टेबल फील करेंगे जबकि फील्ड आपकी मर्जी का होएगा, प्रोग्राम आपको पसंद होएगा। अगर आप कोई बस कोई आपको दोस्त कहता है कि ये फलां प्रोग्राम जो है वो बहुत पॉपुलर है आजकल, जैसे डाटा एनालिटिक्स हैं या आईटी के कुछ और प्रोग्राम्स हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैं, ये चीजें काफी पॉपुलर हैं आजकल, मशीन लर्निंग वगैरह, लेकिन अगर आपका इसमें एप्टीट्यूड नहीं है तो प्लीज डोंट गो फॉर इट। जो चीज आपको अच्छी लगती है वही उसी में आप आगे अपनी फर्दर स्टडीज कीजिए। और यूनिवर्सिटीज यहाँ पे ना सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफ कोर्स दैट्स देयर मेन पर्पस, लेकिन ये एक सोशल हब भी है। तो जब आप यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको आगे करियर में गाइड कर सकते हैं, जॉब अपने करनी है या अपना बिजनेस करना है या कुछ भी आपने करना है। तो आई थिंक नटशेल यही है इस बात का कि आप एज सून एज पॉसिबल यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उसमें आपको अगर हमारी हेल्प की कहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगेन यहाँ पे एडमिशन सिस्टम भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं, लेकिन अब जैसे मैंने जब यूके में अप्लाई किया एडमिशन के लिए, तो
तो लेटर ऑफ इंटेंट लाइक एक पैराग्राफ का था कि जी आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई वांट टू कम टू यूके एंड आई अशोर यू दैट आई विल बी अ गुड स्टूडेंट, यू नो, जैसे हम पाकिस्तान में एक तरह का लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो एज अ स्टडी प्लान उसको लेना पड़ता है. आपको बताना पड़ता है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, आपने जो पहले किया वह उसका और ये जो डिग्री आप करना चाह रहे हैं इसका रिलेशनशिप क्या है, और एज ए पर्सन एज ए प्रोफेशनल आप इस डिग्री को कहाँ लेके जाएंगे और या ये डिग्री आपको कहाँ तक लेके जाएगी. तो उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है. तो बिल्कुल उसमें ओपन हाउसेस भी होते हैं यूनिवर्सिटीज के, अगर आप ऑलरेडी यहाँ हैं तो आप वो ओपन हाउसेस अटेंड कीजिए, अगर आप अभी ओवरसीज ही हैं तो आप हमसे रब्ता कर लीजिए, हम आपको उसमें गाइड कर देंगे कि वो किस तरह से आपने लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है. लेकिन वो बहुत जरूरी है. तो जहाँ पे भी आप हैं जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटीज और वो आपको बेहतर गाइड करेंगी. यूनिवर्सिटीज और उनके एडमिशन ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं. लेकिन ये आपका फैसला बहुत अच्छा है कि आपने आगे अपनी फर्दर एजुकेशन का सोचा है यहाँ कनाडा. अरे भाई थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। जैसे कि अरे भाई ने मेंशन किया, कनाडा में क्लोज टू 100 यूनिवर्सिटीज हो गई हैं जो कि बहुत ही अच्छा नंबर्स है, और काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अगेन जैसे कि अरे भाई ने मेंशन किया कि जो चीज़ आपको पसंद है आप उसी को फोकस करें और कंटिन्यू एजुकेशन ज़रूर करें, अपने आप को अपग्रेड करें। कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और अगर आपने अपने आप को अपग्रेड किया यहाँ पे तो यहाँ पे जो डिमांड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत जॉब मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ के एजुकेशन की बहुत हाई डिमांड्स हैं। अरे भाई इसके अलावा कुछ ऐसी चीज आप मेंशन करना चाहेंगे जिससे उनको और ज़्यादा बेनिफिट हो सके? आई थिंक पीएचडी लेवल के ऊपर एंड अप टू सम एक्सटेंट मास्टर्स लेवल के ऊपर भी यहाँ पे रिसर्च को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है. नॉट नॉट ओनली हियर, जब जहाँ पे भी आप दुनिया में जाएं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो पीएचडी और मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं वो उनमें एक रिसर्च का बहुत मेजर कंपोनेंट होता है. और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक शॉर्टकमिंग होती है स्पेशली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स एज सेड आई नो अ लिटिल बिट अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, नॉट टू मच, तो जितना मुझे पता है उसके मुताबिक ही मैं बोल रहा हूँ कि हम इन दोनों कंट्रीज में रिसर्च का जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है. हो सकता है कि लोगों ने रिसर्च थीसिस लिखा हो, डिसर्टेशंस बनाई हो अपने मास्टर्स में, लेकिन इसके अलावा कोई और पब्लिकेशंस नहीं की होती, कोई जर्नल में आर्टिकल्स नहीं छापे होते, कोई मैगजीन्स में नहीं लिखा होता, कोई बुक चैप्टर्स नहीं लिखे होते. तो अगर तो आपने अपना करियर बनाना है एकेडीमिया में या आप चाहते हैं कि आप किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो हमारी है यहाँ पे बहुत सी रैंकिंग्स में नंबर वन आती है, तो ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो फिर आपको अपना थोड़ा सा रिसर्च प्रोफाइल भी बनाना पड़ेगा. और अगेन हमें ये मिसकंसेप्शंस होती हैं कि शायद सिर्फ जो एक स्कॉलरली जर्नल में लिख देना है वही रिसर्च है. ऑफ कोर्स दैट्स द टॉप टीयर रिसर्च, लेकिन अगर आप कोई बुक चैप्टर लिख दें, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख दें, कोई कहीं पे जाके टॉक दे दें, तो ये सारी चीजें भी आपको एक तरह से बेहतर स्कॉलर रिप्रेजेंट करती हैं. तो इस तरह की चीजों पे जरूर फोकस कीजिए. मैं ये जो देखता हूँ कि जिन भाइयों का या बहनों का एडमिशन नहीं हो पाता यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, उनका मेजर जो फ्लॉ होता है या शॉर्टकमिंग होती है वो यही होती है कि उन्होंने रिसर्च कोई नहीं की होती. और यहाँ पे जब आप अगेन एडमिशन अप्लाई करेंगे इवन एट द मास्टर्स लेवल तो आपको अपना एक राइटिंग सैंपल जमा कराना पड़ता है. वो कहते हैं कि अगर आपने कोई राइटिंग की है, चाहे वो कोई असाइनमेंट ही आपने लिखी हो अपने एज पार्ट ऑफ योर कोर्स वर्क, तो वो आप उनको जमा कराएं एंड दे गो थ्रू दोज राइटिंग्स ऑफ योर्स.
तो उसके बाद वो फिर फैसला करते हैं कि ये जो लेवल ऑफ राइटिंग इस एप्लीकेंट का है, क्या हम इनको एक्सेप्ट करके और इसके ऊपर मेहनत करके फिर इसको उस लेवल पे लेके आ सकते हैं कि ये स्कॉलरली रिसर्च या द हाईएस्ट लेवल पब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अगेन अपने एरिया में रहिए और रिसर्च पे थोड़ा सा कोशिश कीजिए। और बल्कि मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे मुल्क में लोग बैठे हैं, एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, कि उनको एक प्रॉपर रिसर्च कंपोनेंट, हमारी जो ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, ग्रेजुएट डिग्री से मतलब होता है मास्टर्स और पीएचडी और एमफिल वगैरह जो हैं, एनीथिंग अबव अ बैचलर्स लेवल, उसमें डेफिनेटली एक सीरियस कंपोनेंट रिसर्च का डालें। यहाँ पे तो आपको पता है यासिफ भाई के जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इवन उनको भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। सेकेंडरी स्कूल में भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बच्चों को कहा जाता है कि जाएं, फील्ड वर्क करें, या आपने कहीं वेकेशन पे गए हैं तो उसका एक 4 पेज का समरी लिख के लेके आए कि आपका वेकेशन कैसा रहा। तो इस तरह से यहाँ के जो फिर बच्चे होते हैं वो ट्रेंड होते हैं इस सिस्टम के, और उनको मुश्किल पेश नहीं आती जब रिसर्च प्रोफाइल उन्होंने प्रेजेंट करना होता है। हमारे यहाँ से जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, उनका ये बहुत वीक एरिया होता है रिसर्च का, उनका एप्टीट्यूड भी नहीं होता, एक्सपीरियंस भी नहीं होता, इसलिए उनको इसमें ये चैलेंज भी आ सकता है। तो उसके लिए आप अपने थोड़ा सा होराइजन को वाइड करें, एक्सपेंड करें, कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ लिखें, किसी जर्नल आर्टिकल में लिखें, किसी और बुक चैप्टर कोई लिख दें, कोई अगेन अगर कोई सोशल इवेंट हो रहा है बिजनेसेस का, या जो भी आपका एरिया है उनके जो प्रोफेशनल लोगों का कोई इवेंट हो रहा है, उसमें आपने जाके कोई स्पीच दी है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट कोशिश करें कि पब्लिश हो जाए कहीं पे। तो इस तरह की चीजों से आप अपना एक रिसर्च प्रोफाइल बना सकते हैं, और अगर आपका रिसर्च प्रोफाइल अच्छा है तो आपको फंडिंग में भी मदद मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको और यूनिवर्सिटी आपको फंडिंग देती है, तो आपको फिर फीस वगैरह की भी वरी करने की जरूरत नहीं होती। अगेन अरे भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन की रिसर्च के लिए स्पेशली। तो जो भी यहाँ पे आना चाह रहा है या जो यहाँ पे है ऑलरेडी और वो कंटिन्यू एजुकेशन करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप जिस तरह आर्य भाई ने मेंशन किया कि अपनी रिसर्च को वो करें एक्सटेंड करें। और आर्य भाई से अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट इतना कीमती टाइम दिया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम यासर भाई, एंड अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू और थैंक यू। कोई अगर आपको और किसी दोस्त को कोई ज़रूरत हो किसी तरह की गाइडेंस की, तो इंशाल्लाह मैं जो जो मुझे पता है वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू वंस अगेन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप कनाडा में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आर्य भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, टेक केयर।